नहीं खड़े होने में प्रॉब्लम है, नहीं चार से आदमी ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, आप चलिए स्टाफ लेके इधर चले लेके चलिए भाई चलिए गाड़ी में लेके चलिए नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद हैं। यही वो सड़क है जो इजरायली एम्बेसी तक जाती है। इजरायल की एम्बेसी के बाहर आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, जिसमें एसएफआई आईसा जैसे छात्र संगठन शामिल थे। हम कोशिश करेंगे प्रदर्शनकारियों से बात कर पाएं, अगर दिल्ली पुलिस हमको इजाज़त दे तो, क्योंकि वो जो भी प्रदर्शनकारी उनको मिल रहा है उसको तुरंत ही बस में डाल के हिरासत में ले रही है। अभी ये है कि और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन देखना यही है कि क्या वो प्रदर्शन कर पाएंगे या जो भी यहाँ पर खड़ा दिखेगा मीडिया के अलावा उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये खास रिपोर्ट। जैसे कि हमें अभी पता चल रहा है कि इजरायल एम्बेसी के सामने 30 से 35 स्टूडेंट्स खड़े थे बिना प्लेकार्ड स्लोगनेरिंग कुछ के बगैर, पर फिर भी पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया गया है। हम ये स्थिति हर एक जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट आज के समय पे हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर इजरायल एम्बेसी के बाहर एसएफआई आईएसआई एवं तमाम सारे छात्र संगठनों की तरफ से एक कॉल दिया गया है कि हम फिलिस्तीनी जो जनता है उनके पक्ष में सॉलिडारिटी में खड़े होने का एक आवाज़ यहाँ से उठाएंगे। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आज के समय पर भारत का एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, किस तरीके से पहले वो लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद एक प्रेशर पूरे देश भर में पूरे दुनिया भर में जब बनता है, जब यूएस यूके को भी पोजीशन लेना पड़ता है कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए हम लोग भी एड भेजेंगे, तब हम देखते हैं कि भारत में भी इस तरीके का एक सुर सडनली शुरू होता है। लेकिन पिछले 2-3 वीक्स में हमने देखा है किस तरीके से फिलिस्तीन की जो जनता है उनके बमबारी होती है, उनको अटैक किया जाता है। हाल ही में गाज़ा में एक पूरा हॉस्पिटल को उड़ा दिया जाता है और हज़ारों लोग मारे जाते हैं, और तब पूरा जो राइट विंग एक इकोसिस्टम है, अगर हम सोशल मीडिया देखें, तमाम सारे लोग देखे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो तमाम तरीके से ओपनली इसराइल जैसे स्टेट को जो एक जेनोसाइड चला रहा है पैलेस्टाइन के अंदर, उसको ओपनली सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि फिलिस्तीन जैसे जगह होना ही नहीं चाहिए, उसको मैप से एकदम डिसअपीयर हो जाना चाहिए। तो आज हम मानते हैं एज स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिलिस्तीन की जनता की जो अधिकार है, उनका खुद के ज़मीन का जो अधिकार है उसको छीन लिया जा रहा है बिना उनसे बात किए, बिना उनके अधिकारों की बात समझे। इतने सालों से 75 साल से ये चीज़ें चल रहे हैं, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ से हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सॉलिडारिटी में खड़े होने का एक आवाज़ दे रहे हैं। आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं क्या? हाँ जी, अभी पुलिस बार बार हमें बोलने की कोशिश कर रही है कि हमें डिटेन कर लेंगे, कार्रवाई होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे तमाम सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से है। हम लोग अपना प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, हम अगले 5-10 मिनट में इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम निवेदिया है, हम यहाँ पे फलस्तीन की सॉलिडारिटी के लिए आए हैं, लेकिन जैसे आप देखते हैं दिल्ली पुलिस हमेशा यही करते हैं कि जो भी अपनी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो भी अपनी हक मांगते हैं, उनको तो ऐसे ही करते हैं, हमें रोड पे खींचते हैं, डिटेन करते हैं, केस रजिस्टर करते हैं, UAPA लगाते हैं हमारे ऊपर, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अभी जो पुलिस है जो गवर्नमेंट की चमचे है, तो गवर्नमेंट ही इसराइल के समर्थन कर रही है, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। तो फलस्तीन में जो हो रही है, इतनी लोगों की हत्या हो रही है इतने सालों से, उनका कोई परवाह नहीं है, तो इसीलिए हम इनके समर्थन में आए हैं, फलस्तीन की सॉलिडारिटी में आए हैं। जितने लोग मर रहे हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स में बॉम्बिंग चल रहे, तो इन सब के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं और हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ, मैं SFI से हूँ
और हमारी ये मांग है कि इंडिया भी उसी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहे जिस तरीके से हिंदुस्तान की आम जनता खड़ी है। अनुष्का है मेरा नाम और हम यहाँ पे फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए। प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही देखिए दिल्ली पुलिस कैसे वायलेंटली प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रही है। तो आपने देखा कि आज इजराइल एम्बेसी के पास क्या हुआ। प्रदर्शनकारी आए यहाँ पर, खड़े भी नहीं हो सके थे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिए गए। उन्होंने कॉल दिया था कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे फिलिस्तीन के समर्थन में और जो इजराइल की तरफ से हमले फिलिस्तीन पर हो रहे हैं उसके विरोध में। शुरुआत में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे उनको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद बाकी जो लोग थे उन्होंने खान मार्केट मेट्रो से यहाँ तक मार्च किया, नारेबाजी की, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचे उनको हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना यही था कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में बात करना चाहते हैं और उसके लिए जो अपनी आवाज़ है उसको एक तरह से बुलंद करना चाहते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, आइसा जैसे संगठनों ने प्रदर्शन का कॉल दिया था, लेकिन लगभग सभी प्रदर्शनकारी इस वक्त दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जा चुके हैं। न्यूज़ क्लिक में बने रहिए, देखने के लिए शुक्रिया।